Good morning, students. Now, today we'll start algorithm lecture number 3. In this algorithm, we are discussing about how to calculate complexity. Which complexity? Space complexity. So, how to calculate space complexity of an algorithm? So, algorithm ki space complexity kis tarike se calculate ki jati hai? We'll discuss that thing in today's session. Myself, Ankush Saklecha, I am having more than 10 years of GATE teaching experience. I taught more than 50,000 students in my career. The subjects taken by me is DA, DBMS, Digital Logic, Theory of Computation, as well as Compiler Design. I am also selected as a PhD scholar to pursue PhD from IIT Indore. I am also teach in many institutes like ASIC, GateFlex, TGA, Gate Forum, Engineering Circles, Imperial Academy and many more. Unacademy Plus subscription lene ke liye aap log mera code use kar sakte hain. That code is ANKS10. So to get maximum 10% discount. There are two type of subscription. Plus subscription agar aap log lete hain, to isme aapko live classes ka benefit milta hai. Crash course is there. Weekly test hote hain yahan pe, doubt solving sessions aapke hote hain. So after every 3 classes there is a doubt solving session, and we can there is each and every sessions jo honge aapke jo bhi subjects hain, subjects aapko English mein bhi available hai, Hindi languages mein bhi available hai. Rank booster sessions are also there. Iconic subscription lene ke liye aapko yahan pe personal coach milta hai jo aapko one to one guidance deta hai, aapki preparation strategy aapko kaisi rakhni hai uske bare mein batata hai. स्टडी प्लानर आपको मिलता है, स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होता है. अगर सपोज टू भी आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो वीक सेक्शन है, अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो स्ट्रांग है, तो उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है, वीक सेक्शन को कैसे स्ट्रांग सेक्शन बनाना है, तो हर चीज़ आपको यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है. बूस्टर सेशंस आर ऑल्सो देयर, तो स्टडी बूस्टर सेशंस भी लगते हैं, रेगुलर वर्कशॉप्स होती है. दैट इज द कम्प्लीट पैकेज ऑफ हाउ टू क्रेक गेट एग्जामिनेशन. सो ये सब्जेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. यू कैन सी दैट सब्जेक्ट्स लाइव ऑन यूट्यूब. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करिए, अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सबसे पहले जाके क्या करिए, इंस्टॉल करिए. अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप गेट ईएसी सेक्शन पर जाइए. गेट ईएसी सेक्शन पर जाने के बाद आप प्लस पे क्लिक करेंगे. देर इज ऑल्सो फ्री कोर्सेज इज देयर, देर इज अ स्पेशल क्लासेज आर देयर, देर इज ऑल्सो प्लस सब्सक्रिप्शन. प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप गेट सब्सक्राइब करिए. गेट सब्सक्राइब करने के बाद देर आर डिफरेंट ऑप्शन. 12 मंथ सब्सक्रिप्शन इज देयर, 18 मंथ इज देयर, 24 मंथ इज देयर. आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देर इज ईच सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल ऑन नो कॉस्ट EMI. यू कैन यूज माई प्रोमो कोड टू गेट 10% डिस्काउंट. आइकोनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लोग लेते हैं तो 12 एंड 24 मंथ्स में ऑल्सो अवेलेबल है, इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन अ नो कॉस्ट EMI, एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई प्रोमो कोड फॉर आइकोनिक सब्सक्रिप्शन टू. एंड यू शुड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. जैसे ही आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करते हैं, आप उसमें मुझे सर्च कर सकते हैं, आप वेब ब्राउजर पे मुझे सर्च कर सकते हैं. सिंपली यू कैन राइट unacademy.com@ankush_saklecha. तो जितने भी स्पेशल सेशंस होते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, वो सारे स्पेशल सेशंस आप लोग देख सकते हैं. सो यू शुड फॉलो मी. तो मेरे द्वारा जितने भी स्पेशल सेशंस लिए जाएंगे, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप वो हर सेशन को फ्रीली देख सकते हैं. एज वेल एज आप अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है, दैट इज अनअकैडमी गेट CS टेलीग्राम चैनल, आप इस टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. डिफरेंट एजुकेटर्स होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिलती है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब करें. एंड वन मोर थिंग, 15 दिसंबर 6 PM, ओके 15 दिसंबर 6 PM एक और एजुकेटर अनअकैडमी टीम के साथ जुड़ने वाले हैं, दैट इज अ लेजेंडरी एजुकेटर. सो 15 दिसंबर 6 PM को आप लोग सभी यूट्यूब चैनल पे आइएगा, एंड कौन एजुकेटर है आप उनसे मिलिएगा. नाउ विल स्टार्ट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ टू कैलकुलेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम. अगर आपको एक कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम दिया हुआ है, उस स्पेसिफिक एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको कैलकुलेट करनी है. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है? सो सी हियर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज बाय एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट. देखिए एग्जैक्टली होता क्या है, नॉर्मली हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की जब देखिए मैक्सिमम
लोकेशंस पे आप लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सुना होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं पे नहीं देखा जाता, या कि बहुत ज़्यादा कहीं आपको इसके बारे में मटेरियल भी नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में होते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करनी चाहिए। सो आज के सेशन में मैं आप लोगों को डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट किया जाता है, सो हम वो सारी चीज़ें आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज सिंपली अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज बाई एन एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट एज वेल एज टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। देखिए, बेसिकली जो आपके पास कोई प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो वी कैन से दैट देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ स्पेस। एक होता है ऑग्जिलरी स्पेस, एक होता है इनपुट स्पेस। इनपुट स्पेस का मतलब ये हुआ कि उस एल्गोरिथम को रन करने के लिए जो भी आप इनपुट दे रहे हो, वॉट एवर यू आर पासिंग एज ए आर्ग्यूमेंट इन दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम। जैसे सपोज टू बी वी आर राइटिंग एन एल्गोरिथम, और इस एल्गोरिथम में हमने कुछ एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया। अब आर्ग्यूमेंट में सपोज हम वो जो भी पास कर रहे हैं उसको जितनी स्पेस लग रही है, दैट मीन्स दैट वुड बी द इनपुट स्पेस। तो वो इनपुट स्पेस हम लोग कभी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं करते। वॉट वी आर यूजिंग, उस एल्गोरिथम के अंदर अगर आपने कोई न्यू मेमोरी अलॉट की है, या फिर इस स्पेसिफिक एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जो अमाउंट ऑफ स्पेस लग रहा है, सो वी आर यूजिंग दैट स्पेस। ओके, तो उसको हम कहते हैं ऑग्जिलरी स्पेस। तो ऑग्जिलरी स्पेस दैट मीन्स एनी एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएटेड बाई द प्रोग्राम और क्रिएटेड बाई द एल्गोरिथम, और एनी एक्स्ट्रा स्पेस दैट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम। तो वो उस एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। इनपुट स्पेस, आप इनपुट में जो भी पास कर रहे हो आप उसको कैलकुलेट नहीं करते, मतलब इनपुट स्पेस हम लोग लेके नहीं चलते। हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्पेस लेके चलते हैं, तो हम सिर्फ वो स्पेस लेके चलते हैं जो स्पेस हम रन टाइम पे या तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगी या फिर आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए लगेगी। तो आइदर वी कैन से दैट या तो हम उसका डेटा सेगमेंट स्टोर कर रहे हैं उसके लिए जो स्पेस लग रही है, या फिर हम उसका जो कोड सेगमेंट स्टोर कर रहे हैं फॉर एग्जीक्यूशन उसके लिए जो स्पेस लग रही है। सो सच टाइप ऑफ स्पेस इज ऑक्सिलरी स्पेस, और उस ऑक्सिलरी स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी, बेसिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एल्गोरिथम, तो वी कैन से दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स। सो एल्गोरिथम के नेचर पे डिफरेंट टाइप के एल्गोरिथम होते हैं। नेचर से मतलब क्या है, देर आर अ सिक्वेंशियल एल्गोरिथम, देर इज ऑल्सो अनादर वन दैट वी कैन से दैट इट इज अ इटरेटिव एल्गोरिथम, इटरेटिव एल्गोरिथम इज देयर, एंड थर्ड वन वी कैन से दैट देर इज एन एल्गोरिथम दैट इज अ रिकर्सिव एल्गोरिथम। ओके, सो सिक्वेंशियल एल्गोरिथम्स भी होते हैं, इटरेटिव एल्गोरिथम्स भी होते हैं, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स भी होते हैं। तो सिंपली वी कैन से दैट इट डिपेंड्स ऑन अ नेचर कि एल्गोरिथम का नेचर कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिक्वेंशियल एल्गोरिथम, अगर आपके पास कोई सिक्वेंशियल एल्गोरिथम है, और उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच एल्गोरिथम इज अ सिक्वेंशियल एल्गोरिथम। सो सिंपली अगर सपोज टू बी अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम कंसिस्ट सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लाइक दिस, ओके, नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम इज ऑलवेज अ फाइनाइट इंस्ट्रक्शन। देखिए, कभी भी इनफाइनाइट इंस्ट्रक्शंस किसी प्रोग्राम में नहीं हो सकते। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस होंगे। जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे सारे आपके किस टाइप के इंस्ट्रक्शन होंगे, फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस होंगे। ठीक है, तो फाइनाइट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, देखिए दो चीजें होती है, कोई भी एल्गोरिथम है उसको एनालाइज करने के लिए या तो हम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं या फिर हम उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हम नहीं कर रहे, हम आज बात कर रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। सो सपोज टू बी देयर इज अ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सो इस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए आपको हाउ मच अमाउंट ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड, बिकॉज वी नीड टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए हमें इसके कोड को स्टोर करना होगा मेमोरी में। सपोज टू बी हम कोई भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, वी आर स्टोरिंग दैट कोड इन अ स्टैक, तो स्टैक मेमोरी एरिया हमें उस स्पेसिफिक प्रोग्राम को देना होगा। गॉट माई पॉइंट? अब देखिए, सपोज टू बी यहाँ पे हमने लिया इंट ए बी, अब ये एक इंस्ट्रक्शन है, वी नीड टू एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, सो वी नीड टू स्टोर दिस इंस्ट्रक्शन इन अ मेमोरी। तो इस इंस्ट्रक्शन को हमें मेमोरी में स्टोर करना है।
गॉट माई पॉइंट. अनदर थिंग इज दैट कि ए एंड बी क्या है, दे आर दी वेरिएबल्स. सो दोनों किस टाइप के वेरिएबल है, इंटीजर टाइप के. तो इन दोनों वेरिएबल्स के लिए हमें डेटा सेगमेंट भी देना होगा, जो कितने बाइट का होगा, टू टू बाइट का. लाइक दिस, सपोज इंटीजर की साइज अगर 2 बाइट है तो वो 2 बाइट का होगा. क्लियर है? तो दो चीज़ें आपको काउंट करनी है यहाँ पे. एक तो अगर कोई वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे हो, सो यू नीड टू अलॉट अ स्पेस टू स्टोर डेटा. सो डेटा सेगमेंट आप लेके चले. और टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम यू नीड टू स्टोर दैट इंस्ट्रक्शन इन अ स्टैक फॉर एग्जीक्यूशन. और इन दोनों का जो एडिशन होता है, दैट वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम. तो उस एल्गोरिथम की ये क्या होती है, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है. गॉट माई पॉइंट? अब देखिए, हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन इंट ए कॉमा बी दिया हुआ है, तो ए को 2 बाइट लग रहा है, बी को 2 बाइट लग रहा है, मतलब कि ये फिक्स है. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कभी इंस्ट्रक्शन इंट ए कॉमा बी लिखा है तो कभी 2 बाइट लग रहा है, फिर 4 बाइट भी हो सकता है, 3 बाइट भी हो सकता है, या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में ये साइज चेंज हो सकती है. कभी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड साइज है. फिक्स्ड साइज है मतलब हम क्या बोलेंगे, दैट साइज इज अ कॉन्स्टेंट साइज. तो ये किस टाइप की साइज है, कॉन्स्टेंट साइज है. अब बाकी जितने भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे प्रोग्राम में लिखे हुए, इफ दे आर अ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट मतलब उनका एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितनी बार हो रहा है, एक बार हो रहा है. ठीक है, हमें उस पूरे कोड को ले जाके, मतलब यहाँ पे कोई रिकर्सिव कॉलिंग नहीं है कि स्टेटमेंट को हम अगेन एंड अगेन कॉल करेंगे. तो इसको जितनी स्पेस लगेगी, दैट स्पेस इज अ कॉन्स्टेंट स्पेस. ओके, वॉट एवर इट मे बी. सपोज 100 इंस्ट्रक्शन है तो 100 इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए फिक्स स्पेस लगेगा. 1000 है तो 1000 को स्टोर करने के लिए फिक्स स्पेस लगेगा. 1 लाख है तो 1 लाख को स्टोर करने के लिए फिक्स स्पेस लगेगा. बट स्पेस क्या होगा, आपका फिक्स्ड होगा. गॉट माई पॉइंट? सो सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सच टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज अ कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी. और कॉन्स्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यू शुड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, नाउ अनदर इज अ इटरेटिव एल्गोरिथम. सो देखिए, इटरेटिव एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, तो सिंपली सपोज टू बी इफ यू हैव एन एल्गोरिथम एंड दैट एल्गोरिथम कंसिस्ट सम इंस्ट्रक्शंस. एंड आउट ऑफ दिस इफ देयर एग्जिस्ट सम इंस्ट्रक्शंस दे आर एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस, मतलब ये किसी लूप में लिखे हुए. ठीक है, देर आर सम स्टेटमेंट्स, दे आर इन अ लूप, आइदर इट मे बी अ फॉर लूप, इट मे बी अ व्हाइल लूप, और वॉट एवर इट मे बी अ लूप. सो इफ देर आर सम स्टेटमेंट एंड दे आर रिटन इन अ लूप, देन सच टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड अ इटरेटिव एल्गोरिथम. ओके, तो इटरेटिव एल्गोरिथम्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और इटरेटिव एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों डिफरेंट पैरामीटर्स है. अब देखिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है. सो जस्ट सी एन एग्जाम्पल. सपोज टू बी वी हैव एन एल्गोरिथम. इस एल्गोरिथम में हमने एक अरे ए को एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया. ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि अरे जो पास हो रहा है उसमें 1 to n, मतलब टोटल n मेमोरी स्लॉट्स आ देयर. है ना, फिक्स स्लॉट्स नहीं है, नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, n मेमोरी स्लॉट्स है. अब हम इसे कैसे पास करें, तो इसको स्टोर करने के लिए कितनी स्पेस लगेगी, वी कैन से दैट वी रिक्वायर n स्पेस. तो स्पेस कितना हो जाएगा इसका, n हो जाएगा. बट ये किस टाइप की स्पेस है, वी कैन से दैट कि ये हम एल्गोरिथम में एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड अ इनपुट स्पेस. तो इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट स्पेस कहते हैं. अब इनपुट स्पेस जो होती है वो एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज नहीं करते. चलिए, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि नेक्स्ट, ये जो एल्गोरिथम है ये इंटीजर आई को क्रिएट करेगा. ठीक है, सो आई को इसने फिक्स्ड साइज स्पेस अलॉट की, फिक्स्ड स्पेस अलॉट किया. देन हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है. अब देखिए, आई के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है जिसको हम एक्स्ट्रा स्पेस अलॉट कर रहे हैं, तो सिर्फ वेरिएबल आई को डेटा स्टोर करने के लिए स्पेस अलॉट हुई है. और बाकी जो ये कंप्लीट कोड है, ये कोड आपका स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, एक फिक्स्ड स्पेस एरिया में. नाउ सी हियर, क्या रन टाइम पे फोर लूप की वजह से स्टैक की स्पेस में कोई इंप्रूवमेंट होगा क्या, क्या कोई इंप्रूवमेंट होगा? सो व्हाट वी कैन से, देखिए अगर रिकर्सिव एल्गोरिथम होता तो हम क्या कहते हैं कि रिकर्शन क्या करता है, फंक्शन कॉल फंक्शन. तो जब भी फंक्शन फंक्शन को कॉल करता है तो स्टेक क्या होता है, उस कंडीशन में ग्रो होता है. लेकिन यहाँ पे स्टेक की ग्रोथ नहीं होती है. यहाँ जिस स्पेसिफिक एरिया में हम उस कोड को स्टोर कर देते हैं वो उसी कोड में मतलब दैट मीन्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट इसी पर्टिकुलर एरिया में एग्जीक्यूट होगा. एग्जीक्यूशन में टाइम कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि लूप कितनी बार रन हो रहा है, लेकिन जो स्पेस है वो तो फिक्स्ड है, वो तो हमने कॉन्स्टेंट स्पेस दी हुई है. सो व्हाट वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो आपकी स्पेस लग रही है,
एक तो डेटा स्टोर करने के लिए, देखिए इनपुट स्पेस जरूर एन है लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि वो हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया है, और बाकी जो स्पेस लग रहा है वेरिएबल क्रिएशन की जो स्पेस लग रही है या फिर हम कोड एग्जीक्यूशन की जो स्पेस की बात कर रहे हैं वो सारी स्पेस कितनी लग रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट लग रही है एंड वी कैन रिप्रेजेंट कॉन्स्टेंट विद द हेल्प ऑफ वन, सो थीटा वन इसका कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट? Now see here, another algorithm. Suppose to be there is an algorithm and you can see again there is a array A. So that array is passed as an argument. So that space is counted in an input space. ये input space में count होता है. और जो input space है वो हम लोग use नहीं करते to calculate space complexity. Why? क्योंकि वो हम already as an argument pass कर रहे हैं उसमें. चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोग्राम है हमारा, इस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो सी हियर, देयर इज अ इंट आई, सो आई की क्रिएशन के लिए हमें स्पेस लगी। नाउ हियर इज अ कोड फॉर क्रिएशन ऑफ अरे बी एंड हियर इज अ कोड फॉर क्रिएशन ऑफ अरे सी। अब देखिए, नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर क्रिएटिंग अरे बी। तो अब ये जो अरे है दैट इज अ एक्स्ट्रा स्पेस, ये एक्स्ट्रा स्पेस लगी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस लगी। सी, सी को क्रिएट करना है, दैट इज एक्स्ट्रा स्पेस क्योंकि ये एज ए आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया, ये जो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो रहा है तब ये स्पेस की जरूरत है। और कितनी कितनी स्पेस की जरूरत है, एन स्पेस हियर एंड एन स्पेस देयर। ओके, आफ्टर देन ये तो इनपुट स्पेस, ये तो आपकी कौन सी स्पेस हो गई, डेटा स्पेस, डेटा स्टोर करने के लिए। नाउ कोड एग्जीक्यूशन करना है, सो अगेन स्टेक मेमोरी एरिया हमने यूज किया। इंट आई फिक्स्ड स्पेस, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जो भी स्पेस लगेगा वो फिक्स होगा। इंट आई को स्टोर करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि रन टाइम पे वो स्पेस बढ़ेगा या कम होगा, वो फिक्स्ड है, वॉट एवर इट मे बी, इट इज फिक्स्ड। नाउ क्रिएशन कर रहे, इट इज ऑल्सो इन अ फिक्स स्पेस। देन देयर इज अ लूप, सो दैट लूप क्या कर रहा है, ये लूप क्या कर रहा है, बी और सी को की वैल्यू को जो भी ए का वैल्यू होगा उससे वो इनिशियलाइज कर रहा है। सो ये भी लूप अगेन एंड अगेन रन होगा, तो टाइम बढ़ेगा बट स्पेस तो सेम स्पेस में उसका एग्जीक्यूशन होगा, मतलब रन टाइम पे स्टेक ग्रो नहीं करता। यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, जो एग्जीक्यूशन स्पेस है या फिर हम बात करें कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो मेमोरी एरिया में स्टोर करते हैं वो स्पेस सिर्फ एक ही कंडीशन में इंक्रीज होती है, अगर आपका जो प्रोग्राम है या जो एल्गोरिथम है वो रिकर्सिव एल्गोरिथम है। अगर रिकर्सिव एल्गोरिथम नहीं है तो वो हमेशा कॉन्स्टेंट होती है। तो व्हाट वी कैन से, आइदर वी हैव अ सिक्वेंशियल एल्गोरिथम और वी हैव अ इटरेटिव एल्गोरिथम, एग्जीक्यूशन स्पेस इज कॉन्स्टेंट। इन केस ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन स्पेस आपका वेरी करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इनपुट स्पेस तो हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, बाकी कितनी स्पेस लग रही है जस्ट टेल मी, क्या रिजल्ट होना चाहिए बताइए। थॉमस इज आस्किंग, सर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ परस्यूइंग एमटेक फ्रॉम आईआईटी, क्या उसके बेनिफिट्स है। सो बिल्कुल सर, हम एक सेशन लेंगे थॉमस इसके ऊपर भी, और उसमें मैं आपको सारे बेनिफिट्स जो आईआईटी से एमटेक करने के हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यस, जय कुमार सेज दैट ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, यस। बाकी बाकी स्टूडेंट्स का क्या रिप्लाई है, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या होना चाहिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो सी हियर, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आपके पास B है और आपके पास C है, ठीक है, तो B और C दोनों आपके पास दिए हुए हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, B के लिए कितनी स्पेस की जरूरत है N और C के लिए कितनी स्पेस की जरूरत है N, तो ये दोनों स्पेस हमें क्रिएट करनी पड़ रही है, एल्गोरिथम मतलब जो एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्रिएट कर रहा है। तो N स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दिस, N स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दिस, एंड हियर व्हाट वी कैन से दैट इज द कॉन्स्टेंट स्पेस, वॉट एवर इट मे बी बट इट इज फिक्स्ड। ओके, सो N प्लस सी, so what we can say that space complexity is theta n, okay, that is your space complexity. Now see here, in that condition we need to check that what would be the space complexity of this particular algorithm.
See here. Here what we are doing, again in this algorithm we are passing array A as a argument. तो A को हम ऐसे argument क्या कर रहे हैं यहाँ पे pass कर रहे हैं, ठीक है? So A as a argument is passed in that particular algorithm. तो array A का space जो है वो n space है, but that is input space. Input space is n. Now अब देखिए यहाँ पे हम एक array C create कर रहे हैं. That array is a 2D array, two dimensional array, मतलब n cross n का array. तो 2D array को स्टोर करने के लिए, देखिए यहाँ पे ये क्रिएशन है, 2D array को स्टोर करने के लिए जो स्पेस लगेगी वो कितनी लगेगी, n स्क्वायर स्पेस लगेगी. सो टू स्टोर 2D array वी रिक्वायर अ स्पेस, डेटा सेगमेंट n स्क्वायर स्पेस लग रही है. एंड टू एग्जीक्यूट दैट कोड, अगेन हम देख सकते हैं कि जो कोड आया है वो आपका क्या है, सिंपली इट इज अ इटरेटिव एल्गोरिथम. और इटरेटिव एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्पेस लगती है वो कितनी लगती है, फिक्स्ड स्पेस लगती है. तो इसका जो एग्जीक्यूशन हो जाएगा वो इस स्पेसिफिक एरिया में हो जाएगा, लाइक दैट. सो डेटा स्टोर करने के लिए एन स्क्वायर स्पेस लगा, और फिक्स्ड स्पेस जो थी एग्जीक्यूशन के लिए वो कांस्टेंट है. सो कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इज थीटा एन स्क्वायर, दैट इज अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो नेक्स्ट सेशन होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं. देर आर सो मेनी मैथड्स, मास्टर्स मैथड्स होती है, बहुत सारी मैथड्स होती हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट मैथड से कैसे कम समय में हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं, अपकमिंग सेशंस में हम लोग वो डिस्कस करेंगे. नाउ सी हियर, चलिए ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस. व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस, कोशिश करिए क्या रिजल्ट आना चाहिए. व्हाट वुड बी द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यस आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बिल्कुल इस बार है, तो आप लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से कवर करके जाइएगा. और आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा, जिस तरीके से आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर सकते हो, उसी तरीके से आप ईजी वे में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कैलकुलेट कर पाओगे. नाउ सी, हियर ए तो एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, सो दैट इज इनपुट स्पेस एन. नाउ हियर इज अ कोड फॉर बी एज वेल एज हियर इज अ कोड फॉर सी. तो अल्टीमेटली हम कर क्या रहे, बी और सी का कोड डिजाइन कर रहे हैं. तो कोड क्रिएशन का लेट जो स्पेस लगा वो कितना लगा, एन प्लस एन. इटरेटिव एल्गोरिथम है, सो एग्जीक्यूशन स्पेस कितनी होगी, कॉन्स्टेंट. हाउ मच इट इज, एन प्लस सी थीटा एन. अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन एमएसक्यू कैसे बन सकता है, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है. अब आपको बोला स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया थीटा एन, सेकंड ऑप्शन आपको दिया बिगो एन, एंड थर्ड ऑप्शन आपको दिया ओमेगा एन, एंड नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया बिगो एन स्क्वायर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम. विच ऑफ द फॉलोइंग we can use to represent the space complexity of this algorithm. It's a multi-select question. So यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि अगर इन ये फोर ऑप्शंस आपके पास आते हैं और आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा सही है, what we can see that the actual time required to execute this actual space required to execute that particular algorithm is n. Space कितना लग रहा है, n लग रहा है. Got my point? Now what we can say, n को हम किससे represent कर सकते हैं, we can represent n by theta n equal है. You can also represent by big O n, क्योंकि यहाँ जो भी content लिखा है greater than equal, equal के case में big O भी काम करता है. You can also represent that by omega n, क्यों, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है वो less than or equal होना चाहिए, तो equal के case में ये भी work करता है.
एंड एन को हम लोग एन स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? यस वी कैन रिप्रेजेंट, बट व्हेन व्हेन देर इज अ बिगो एन स्क्वायर। क्यों बिगो एन स्क्वायर? क्योंकि जो एन होता है और जो एन स्क्वायर होता है, तो एन स्क्वायर की ग्रोथ क्या है? इट इज ग्रेटर देन एन, और ग्रेटर देन एन है तो आप एन स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो इन दैट कंडीशन यू नीड टू टिक ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। अगर MSQ मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन आता है तो सभी को आपको टिक करना है, ये चारों ऑप्शन सही है। गॉट माई पॉइंट? बट अगर आपसे पूछा जाता है कि विच इज बेस्टली डिस्क्राइब, कौन इसको बेस्ट डिस्क्राइब करेगा, तो बेस्ट डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा हम इक्वल बाउंड यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लिखते हैं, थीटा एन लिखते हैं। तो अगर MCQ आता है तो थीटा एन इज योर आंसर, क्योंकि वहां पे हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है। MSQ आता है मल्टी सिलेक्ट, उसने कहा है कि कौन कौन से रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है, तो पॉसिबल है तो फिर सारे ही पॉसिबल है, ठीक है। और अगर उसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्टली डिस्क्राइब, तो थीटा एन इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज रिकर्सिव एल्गोरिथम। सो सी हियर, रिकर्सिव एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो व्हाट वी कैन सी, सो इफ यू नीड टू कैलकुलेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम, तो रिकर्सिव एल्गोरिथम जनरली किस तरीके से होता है, तो वी कैन सी हियर, सपोज टू बी देयर इज अ फंक्शन इंट, फंक्शन इंट एन, ओके, इफ द वैल्यू ऑफ एन इज 1 और द वैल्यू ऑफ एन इज 0, रिटर्न एन, एल्स रिटर्न एन इंटू एफ ऑफ एन माइनस 1, लाइक दिस, ओके। सो दैट इज योर रिकर्सिव एल्गोरिथम, ये आपका रिकर्सिव एल्गोरिथम है। और इस रिकर्सिव एल्गोरिथम का हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब देखिए, अगर आप इस एल्गोरिथम को देखेंगे तो हमने इसमें इस एल्गोरिथम में इंट एन ऐसे आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है, तो वो आर्ग्यूमेंटेड स्पेस हो गई। अब उसके अलावा इस पूरे कोड में कहीं पे भी कोई हम ऐसा डेटा क्रिएट नहीं कर रहे जिसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस लगे, तो डेटा स्पेस कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओके। एन ऑलरेडी क्रिएटेड है, व्हाट विल बी द वैल्यू, वो हम एज ए आर्ग्यूमेंट पहले से ही पास करके यहाँ पे भेजेंगे, तो एन की स्पेस तो इनपुट स्पेस हो गई। और इस प्रोग्राम में कोई भी डेटा अलग से क्रिएट नहीं हो रहा है, ना कोई इंटीजर है, ना कोई फ्लोट है, ना कोई कैरेक्टर है, तो डेटा स्पेस नहीं लग रही। बट अब ये जो एल्गोरिथम है ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन दी हाउ मच स्पेस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेके सॉल्व करते हैं। फंक्शन 5, ओके, आई नीड टू कॉल दैट फॉर फंक्शन 5, ओके। फंक्शन 5 के लिए मुझे इसे कॉल करना है, आई एम राइटिंग फंक्शन को मैं एफ ऑफ लिख देता हूँ, एफ ऑफ 5 ले लेते हैं हम, सी। सो 5 के लिए क्या होगा, व्हाट वी आर सेइंग, 5 के लिए क्या होगा, हम सबसे पहले इफ कंडीशन चेक करेंगे, सी दैट कोड, दैट कोड स्टोर हियर। फंक्शन 5 का कंप्लीट कोड इस एरिया में स्टोर हो गया, और इसको स्टोर करने के लिए जो स्पेस लगेगी दैट इज अ फिक्स्ड स्पेस, है ना, प्रोग्राम में, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है या फिक्स्ड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो फिक्स इंस्ट्रक्शन है तो स्पेस तो फिक्स लगनी है उसको स्टोर करने के लिए। बट होता क्या है यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आपने कंपेयर किया किसको, एन को 1 से, क्या 1 के इक्वल है, क्या 0 के इक्वल है, नहीं, तो एल्स में जाएंगे। नाउ एल्स में ये रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, इट रिटर्न 5 इनटू फंक्शन 4। नाउ सी, अब ये वैल्यू कब तक नहीं आएगी, जब तक कि फंक्शन 4 की वैल्यू नहीं आएगी, और 4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको उसकी स्पेस क्रिएट करनी होगी, एंड यू कैन नॉट डिलीट दैट स्पेसिफिक स्पेस। F5 की स्पेस को आप डिलीट नहीं कर सकते, मतलब उसको फ्री नहीं कर सकते। क्यों फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी F5 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो F5 की स्पेस तो आपको रखनी ही है, और उसके साथ में आपको F4 की स्पेस को भी रखना है। चलिए, ये फिर कॉल करेगा रिटर्न, एल्स में जाएगा रिटर्न 4 मल्टीप्लाई बाय F of 3, F of 3 फिर कॉल हुआ, F of 3 ने फिर कॉल किया, और इसने फिर रिटर्न किया 3 इंटू F of 2, F of 2 की फिर कॉलिंग होगी, एंड इट रिटर्न्स, तो ये F of 2 का स्पेस क्रिएट हुआ, इसने क्या रिटर्न किया, इट रिटर्न्स 2 इंटू F of 1, यस F of 1। सो नाउ वी कैन से दैट अब इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये F of 1 के लिए स्पेस क्रिएट हुआ, और इसने रिटर्न कर दिया आपके वैल्यू को 1, 1 रिटर्न कर देगा ये, ठीक है।
अब देखिए यहाँ प्रोग्राम, यहाँ जो रिकर्शन है वो टर्मिनेट हुआ, सो ये वैल्यू यहाँ पे पास होगी, सो 2 इंटू 1। अब जैसे ये पास हुआ ये स्पेस फ्री हो गई, फिर ये 2 यहाँ पास होगा ये स्पेस फ्री हो जाएगा, 3 इंटू 2 6। जैसे यहाँ पास होगा F3 ने अपनी वैल्यू रिटर्न कर दी, तो जो उसने स्पेस ली थी वो उसने फ्री कर दी। 6 इंटू 4, जैसे ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा ये स्पेस फ्री होगी और वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और फिर इस स्पेस को फ्री कर देंगे और वैल्यू को फाइनली रिटर्न करके यहाँ दे देंगे, लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो स्पेस लगी कितनी, सो अगर मैंने 5 को पास किया तो स्टेक कितना ग्रो हुआ, 1 1 1 1 1, 5 टाइम्स ग्रो हो रहा है। और चलिए सभी को कोई फिक्स स्पेस कॉन्स्टेंट लग रही है, सपोज कॉन्स्टेंट स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ईच स्लॉट, क्योंकि वही कोड बार बार लिखना है हमें, C++C, हाउ मेनी टाइम्स। सो अगर 5 पास किया तो 5 टाइम, प्रोग्राम आपको n के लिए पूछा था तो n टाइम्स, सो इट इज सी इंटू एन। हियर वी कैन से दैट सी इज अ कॉन्स्टेंट, देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा एन। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, कैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम की निकाली। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेस, गॉट माई पॉइंट। तो स्पेस कितना लगेगा उस पर डिपेंड करते हैं। नाउ सी, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस। व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस? नाउ वी कैन सी हियर, इट इज ऑल्सो रिकर्सिव एल्गोरिथम। देखिए थीटा यूज मैं इसलिए करता हूँ, यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट, थीटा यूज करने का जो मेन मोटिव होता है, क्योंकि इक्वल बाउंड को शो करने के लिए हम थीटा यूज करते हैं। बट एट द प्लेस ऑफ दिस अगर आप बिगो एन लिखेंगे, नो इशू, इज ऑल्सो करेक्ट, इज ऑल्सो करेक्ट। बट मैंने आपको क्या बोला कि यूज क्या करना है आपको, थीटा। क्यों थीटा यूज करना है? बिकॉज इट शोज इक्वल बाउंड। सो अगर किसी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी एन आई है तो मैं उसको एन बोलूंगा ना। अगर मैं बिगो एन बोलता हूँ इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एन लग सकता है, बट ऐसा नहीं है, वो तो एन ही लग रहा है, गॉट माई पॉइंट। लेकिन हाँ, अगर गेट एग्जाम में ऑप्शन में बिगो एन दिया है और आपसे पूछा है कि क्या ये सही है, देन यू कैन टिक कि यस इट इज ट्रू। सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सो नाउ सी हियर अगेन। अब देखिए इस एल्गोरिथम का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिएगा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो जस्ट हम कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट में हम एन पास कर रहे हैं और फंक्शन में कोई भी डेटा एस सच क्रिएशन हो नहीं रहा, तो डेटा कॉम्प्लेक्सिटी तो कॉन्स्टेंट है, अल्टीमेटली जो एग्जीक्यूशन है उस पर ही आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करेगी। ओके नाउ सी अगेन, सपोज मैं एन की कोई वैल्यू के लिए इसको कॉल कर लेता हूँ। सपोज मैंने एन का वैल्यू लिया 32, एफ ऑफ 32, सपोज आई एम कॉलिंग फॉर एफ ऑफ 32, देन सी व्हाट विल हैपन, एफ ऑफ 32, सो 32 बाय 2 इज हाउ मच, इट बिकम 16, 16 क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नहीं है। सो आप एफ ऑफ 16 और एफ ऑफ 16 को कॉल करेंगे। नाउ हियर फंक्शन कॉलिंग 2 टाइम्स, बट पहले एफ ऑफ 16 जो टॉप वैल्यू है वो कॉल होगी, जब तक फर्स्ट रिकर्शन टर्मिनेट नहीं होता हम सेकेंड स्टेप को एग्जीक्यूट नहीं करते, तो पहले एफ 16 टर्मिनेट हो जाए फिर उसके बाद के जो बचे हुए स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन में आते हैं। एफ ऑफ 16, नाउ इट कॉल एफ एट ने अपना एरिया क्रिएट किया, सेकेंड इंस्ट्रक्शन होल्ड कर रहा है एफ एट, नाउ एफ एट कॉल एफ फोर, फोर ने अपना एरिया क्रिएट किया, इट कॉल F2। नाउ जैसे ही F2 के लिए कॉल करेंगे 2 बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यस कंडीशन सेटिस्फाई। सो F2 क्या कर देगा, यहां पे वैल्यू को रिटर्न कर देगा, इट रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू। ओके चलिए अब देखिए इसने जो वैल्यू रिटर्न किया क्या रिटर्न करेगा एट दैट टाइम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये रिटर्न हुआ, ये इस पोजीशन पे आया, यहां से वैल्यू 2 रिटर्न हो गई, ये जो है ये स्पेस फ्री हो गई आपकी, इस स्पेस को फ्री कर दिया। नाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट सेकेंड एफ ऑफ 2, सो कैन वी से दैट वी कैन यूटिलाइज द सेम स्पेस
सेम स्पेस, कोई न्यू स्पेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सेम स्पेस यूटिलाइज हो सकती है. इससे हमारी स्पेस बचेगी, है ना. अननेसेसरी हम ज्यादा स्पेस क्यों क्रिएट करें, जब पहला वाला जो ऑलरेडी मैंने पहले क्रिएट किया था रन टाइम पे, मेरा स्टेक ग्रो कर गया था, जब वो श्रिंक हुआ तो मैं उसी स्पेस को यूटिलाइज कर दूंगा. तो वो पहले श्रिंक हुआ, फिर हमने सेकेंड एफ ऑफ टू को उसी स्पेस में कॉल कर दिया, ये भी रिटर्न करेगा वैल्यू. ये टर्मिनेट हुआ तो ये फंक्शन एफ फोर टर्मिनेट हुआ, तो इसने फर्स्ट स्पेस को भी डिलीट हो गई, सेकेंड स्पेस भी आपकी डिलीट हो गई, मतलब दोनों स्पेस फ्री हो गई. नाउ एफ ऑफ फोर फिर कॉल होगा. सो वी कैन से दैट वी कैन यूटिलाइज द सेम स्पेस अगेन. जैसे ही एफ ऑफ फोर का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, एफ एट टर्मिनेट हो जाएगा. एफ एट टर्मिनेट हुआ तो फर्स्ट थ्री स्पेस जो है वो पूरी फ्री हो जाएगी. तो सेकेंड एफ एट यू कैन यूज द सेम स्पेस, फिर वही तीनों स्पेस आप यूज कर सकते हो. जब ये एफ एट टर्मिनेट होगा, ये एफ सिक्सटीन टर्मिनेट होगा, तो वी कैन से दैट फर्स्ट फोर स्पेस इज कंप्लीटली फ्री. सो यू कैन यूज द सेम फोर स्पेस फॉर कैलकुलेटिंग नेक्स्ट एफ ऑफ सिक्सटीन लाइक दैट. तो हम सेम स्पेस को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं. अब हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, सो यू कैन सी हियर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. देखिए आपने एफ ऑफ 32 पास किया, हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, इसको स्पेस कांस्टेंट लगी, इसको स्पेस कांस्टेंट लगी, इसको स्पेस कांस्टेंट लगी, और इसको स्पेस कांस्टेंट लगी. ठीक है. सो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट हाउ मेनी टाइम्स. सो सी वी कैन से दैट इट इज 2 to the power 5, इट इज 4, इट इज 3, इट इज 2, इट इज 1. सो 1, 2, 3, 4, 5. अगर 32 नहीं करते और कोई लेते तो हमसे कह सकते थे 2 to the power k. तो कांस्टेंट का इसका एडिशन कितनी टाइम्स हो रहा है, k टाइम्स हो रहा है. ओके, मतलब कांस्टेंट 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 स्पेस में कितनी बार दे रहा हूँ. सर 32 लिया तो कितनी कांस्टेंट स्पेस दी हमने, 5 स्पेस दी. तो सिमिलरली अगर हम 32 की प्लेस पे कोई n वैल्यू लेते हैं एंड दैट इन टर्म्स ऑफ 2 to the power k, सो वी कैन से दैट की c का एडिशन k टाइम्स हो रहा है. सो वॉट वी कैन से दैट यूर कॉम्प्लेक्सिटी इज सी इन टू के. बट वॉट इज के, वॉट इज के, तो वी कैन से दैट ये जो 2 raised to k है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू एन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ के मैक्सिमम वैल्यू इज लॉग एन, सी लॉग एन इज देयर. सो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा लॉग एन. गॉट माई पॉइंट. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज थीटा लॉग एन. नाउ सी देर आर टू एल्गोरिथम्स एंड वी नीड टू एनालाइज बोथ दी एल्गोरिथम. दोनों एल्गोरिथम्स को हम लोग एनालाइज करते हैं. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए वॉट वुड बी द आउटपुट. अगर सपोज मैं इसको एफ ऑफ फोर के लिए कॉल करता हूँ, दिस एल्गोरिथम इज कॉलिंग फॉर फोर एंड दिस एल्गोरिथम इज ऑल्सो कॉलिंग फॉर फोर, देन वॉट वुड बी द आउटपुट. आउटपुट क्या आएगा इन दोनों एल्गोरिथम का, ट्राई टू आइडेंटिफाई, है ना. मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम फिर देखेंगे. पहले हम देखते हैं कि क्या दोनों एल्गोरिथम सेम आउटपुट देते हैं या डिफरेंट आउटपुट देते हैं. ओके, सो इन केस ऑफ एल्गोरिथम A1 व्हाट वी कैन से, हमने F4 को कॉल किया. F4 किसको कॉल कर रहा है, F3 प्लस F3. देन एफ थ्री की कॉलिंग की, एफ थ्री किसे कॉल करेगा, एफ टू प्लस एफ टू. देखिए आप स्टेक भी बना सकते हैं, और अगर जनरली बाइनरी या टर्नरी रिकर्शन होता है तो ट्री के तरीके से भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा स्टेक को आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए वो थोड़ा हॉचपोच हो जाता है. तो आप ट्री के फॉर्मेट में भी उसको कर सकते हो. F1 F1, नाउ 1 क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स 1, इट ऑल्सो रिटर्न्स 1, 1 प्लस 1, यहाँ पे 2 गया. इस F2 की वैल्यू 2 है तो बट ऑब्वियस इसका भी 2 ये होगा, 2 plus 2 4, ये 4 है तो ये 4 होगा, 4 plus 4 8. सो योर फाइनल आंसर इज 8. गॉट माई पॉइंट. नाउ सी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एल्गोरिथम A2 की अगर हम लोग बात करें तो A2 में फंक्शन 4 किसे कॉल करेगा, इट कॉल 2 into function 3, इट कॉल 2 into function 2, इट कॉल 2 into function 1. सो 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8. सो व्हाट वी कैन से, आउटपुट ऑफ बोथ दी फंक्शन इज सेम. आउटपुट इज
गॉट माई पॉइंट? नाउ सी, अगर हमें इन फंक्शंस की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करना है, ठीक है, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एल्गोरिथम ए वन, ए वन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो अगेन आप किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए इसको चेक कर सकते हो, लाइक एफ फोर के लिए आपने चेक किया, सो फोर किसको कॉल कर रहा है? देखिए ये वैल्यू टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या है, एन लेस देन इक्वल्स टू वन होगा, सो इट कॉल एफ थ्री, एफ थ्री। ओके सो फर्स्ट फंक्शन एफ थ्री कॉल किया, थ्री कॉल्स टू टू, देन टू के लिए स्पेस क्रिएट की, टू कॉल्स वन वन, वन के लिए स्पेस क्रिएट किया, इट रिटर्न वन। ओके अब देखिए जो रिमेनिंग फंक्शन एफ वन, एफ टू और एफ थ्री है, तो जब फर्स्ट फंक्शन टर्मिनेट होंगे तो उन्हीं स्पेस को ये यूटिलाइज कर लेंगे, लाइक प्रीवियस जो एग्जाम्पल हमने किया था, ये वैल्यू रिटर्न यहाँ वन करेगा, ये टर्मिनेट हुआ तो ये फंक्शन सेम यहीं पे कॉल करके वैल्यू को वन रिटर्न कर देगा, वन प्लस वन टू, तो सेकेंड एफ टू उन्हीं स्पेस को यूज करके एग्जीक्यूट कर देगा। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम एन वैल्यू पास कर रहे हैं तो हमें कितने स्टेक को कितनी बार इंक्रीज करना पड़ा या कितने स्लॉट्स हमने स्टेक में क्रिएट किए, सो अगर फोर पास कर रहे हैं तो फोर क्रिएट किए, एन पास करेंगे तो कितने क्रिएट करेंगे, थीटा एन। सो एल्गोरिथम ए वन के लिए तो थीटा एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई। नाउ फॉर एल्गोरिथम ए टू, ए टू एल्गोरिथम की अगर हम लोग बात करें देन व्हाट वी कैन सी, सो यू कैन सी हियर इंट फंक्शन इंट एन, एन आप पास कर रहे हो, इफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू वन, अगर एन का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू क्या है, वन है, इट रिटर्न्स एन, एल्स इट रिटर्न टू इन टू फंक्शन एन माइनस वन। सो अल्टीमेटली हियर यू कैन सी अगर हम एफ फोर के लिए कॉल करते, फोर कॉल्स थ्री, थ्री कॉल्स, थ्री कॉल्स टू, टू कॉल्स वन, एंड वन रिटर्न्स वन। सो ये एरिया थ्री के लिए था, ये एरिया टू के लिए था और ये एरिया वन के लिए था। बस अब वैल्यू रिटर्न होगी, रिटर्न जैसे ही वैल्यू होगी तो आपका स्टेक क्या होगा, श्रिंक होगा, तो ये वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी, ये यहाँ पास हो जाएगा और ये यहाँ पास हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट हाउ मच स्पेस इट रिक्वायर, सो कॉन्स्टेंट का एडिशन हो रहा है, कितने टाइम्स होगा, सो अगर आपने वैल्यू एन पास की तो एन टाइम्स होगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज अगेन थीटा एन। ओके तो दोनों का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका स्टिल थीटा एन आएगा। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट वुड बी द कॉम्प्लेक्सिटी करस्पॉन्डिंग टू दिस। क्या होना चाहिए, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो कोशिश करिए, वॉट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। So there is one reply from Swayam Prabha, that is big O n. Okay. What about others? See, that n is an input space. You can see we need to execute that particular code. अब इस कोड के एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमें एक वेरिएबल हम i ले रहे हैं, सपोज देर इज अ इंट i, दैट इज क्रिएशन ऑफ i,
तो आई हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो आई के लिए जो स्पेस लगेगी वो तो कांस्टेंट स्पेस है, और बाकी यहाँ पे ये जो कोड है, ये फोर लूप है, ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन टाइम जरूर इंक्रीज करेगा, लेकिन स्पेस स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बिफोर दैट देर इज अ फंक्शन कॉलिंग। तो जो एन है वो एन माइनस वन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, और उसके बाद में एक फोर लूप है। ये लूप का एग्जीक्यूशन जो है वो इस रिटर्न आई के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन है, मतलब ये फोर लूप जब कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद वैल्यू यहाँ पे रिटर्न आई होगी आपकी। सो ये इटीरेशन जो होंगे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जरूर अफेक्ट करेंगे, बट स्पेस पे कोई इसका अफेक्ट नहीं होगा। स्पेस इसके लिए तो कॉन्स्टेंट ही लग रही है जो आपको यहाँ पे स्टोर करने के लिए लगेगा, बट जो एफ ऑफ एन माइनस वन है ये एन माइनस टू को कॉल करेगा, एन माइनस टू एन माइनस थ्री को कॉल करेगा। तो अल्टीमेटली कॉलिंग कब तक होगी, जब तक कि वैल्यू वन नहीं हो जाती। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से दैट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा एन। सो थीटा एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका होगा, एंड थीटा एन को आप बिगो एन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हाट अबाउट दिस, दैट इज एन इटरेटिव कोड। इटरेटिव कोड, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस इटरेटिव कोड? यस, जय सेज दैट थीटा वन, स्वयं प्रभा थीटा वन, चक्रवर्ती सेज दैट बीगो वन। ओके गुड, सो सी हियर, यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, वेरिएबल्स जो आप क्रिएशन कर रहे हो ए बी आई और जे, सो ए को बी को आई को और जे को जो भी स्पेस लगेगी, दैट स्पेस इज अ फिक्स्ड स्पेस। देन देयर इज एन एग्जीक्यूशन। इन दिस एग्जीक्यूशन वी कैन सी इट इज अ इटरेटिव एल्गोरिथम। सो इटरेटिव एल्गोरिथम रिक्वायर फिक्स्ड स्पेस फॉर एग्जीक्यूशन। सो हियर व्हाट वी कैन सी दैट अल्टीमेटली डेटा स्पेस भी फिक्स्ड है और एग्जीक्यूशन स्पेस भी फिक्स्ड है, सो कॉम्प्लेक्सिटी इज कॉन्स्टेंट थीटा वन। व्हाट अबाउट दिस कोड, व्हाट अबाउट दिस कोड? What is the space complexity for this? So what we can say, A require, I require, and J require a space that is a data space, it is fixed. एंड अल्टीमेटली देर इज ए नेस्टिंग ऑफ लूप। अब देखिए नेस्टिंग ऑफ लूप से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जरूर बढ़ेगी, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो फिक्स्ड रहती है। क्यों फिक्स्ड रहती है? क्योंकि इटरेटिव एल्गोरिथम है। सो अल्टीमेटली योर आंसर इज कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट, एंड वी कैन रिप्रेजेंट दैट कॉन्स्टेंट विद द हेल्प ऑफ वन। सो थीटा वन इज योर आंसर। गॉट माई पॉइंट? नाउ what would be the space complexity for this question? There are four options, so just tell me what is the space complexity for this. देखिए फॉर द प्रीवियस वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या कह रहे हैं, हम दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। एक तो जो आप डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, इनपुट स्पेस पे नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक। और सेकंड फिक्स्ड। अब देखिए ये जो कोड है, इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस स्पेस में स्टोर करना होगा,
और ये फिक्स्ड साइज स्पेस लगेगा, मतलब वॉट एवर इट मे बी, इट मे बी 10 बाइट, 20 बाइट, 100 बाइट, 1000 बाइट, वॉट एवर, बट इट इज़ फिक्स्ड। तो वो फिक्स्ड स्पेस में, और जो भी एग्जीक्यूशन होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इटीरेशन है, तो ये कोड बार बार एग्जीक्यूट होगा, तो वो टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन स्पेस तो वही यूज हो रही है। ओके, और जो डेटा है वो डेटा के लिए जो स्पेस है, डेटा वहां पे स्टोर होता जाएगा लाइक दिस। ओके, सो व्हाट वी कैन से, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे क्या होती है, फिक्स्ड होती है। नाउ सी, इस कोड के लिए अगर हम लोग बात करें, अब देखिए, एक आपसे नॉर्मली आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिकर्सिव रिलेशन देखे होंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का भी रिकरेंस रिलेशन बन सकता है। सो हाउ वी कैन डिजाइन रिकरेंस रिलेशन फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट टू। बिफोर दैट हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जो अभी हम जिस तरीके से रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे थे। सो सी, अल्टीमेटली व्हाट वी कैन से, फंक्शन जो एन है, एन किसे कॉल कर रहा है, एन कॉल एन बाई टू। ओके, फिर एन बाई टू के लिए एरिया क्रिएट होगा। इसके बाद एक फोर लूप है, ये लूप का एग्जीक्यूशन यहां पे होगा। सो स्पेस तो वही लग रही है, दैट इज अ कॉन्स्टेंट, अनादर इज अ कॉन्स्टेंट स्लॉट। फिर ये किसे कॉल करेगा, एफ ऑफ एन बाई फोर को। एफ ऑफ एन बाई फोर को मैं एफ ऑफ एन बाई टू स्क्वायर लिख सकता हूं, दिस अगेन स्पेस। फिर ये फिर कॉलिंग करेगा, और इस तरीके से कब तक चलेगा, जब तक कि ये वैल्यू 1 नहीं हो जाती, मतलब जो डिवीजन हो रहा है वो 2:2 के फॉर्मेट में हो रहा है, एंड व्हेन एन बाई टू के इक्वल्स टू 1 ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो एट दैट टाइम ये स्टॉप होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2:0, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, तो कॉन्स्टेंट स्पेस का जो एडिशन हो रहा है, सी सी सी, हाउ मेनी टाइम्स, K+1 टाइम्स एडिशन हम लोग कर रहे हैं। ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 से K तक स्टेक ग्रो कर रहा है। 0 to K मतलब K+1 टाइम आपका स्टेक क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। सो इट इज सी इंटू K+1, सो इट इज CK+1, और CK+1 अल्टीमेटली सी और 1 तो कॉन्स्टेंट है, और K की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, इट बिकम लॉग इन, फिर कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा लॉग इन। ओके, इट इज सी लॉग इन +1। सो व्हाट वी कैन से, वी कैन से दैट बी इज करेक्ट आंसर। नाउ सी है, अगर हमें इसका ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट रिकर्सिव रिलेशन फॉर दी फंक्शन। अब देखिए, रिकर्सिव रिलेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आप अगर निकालेंगे टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो डिफरेंट होता है, एंड इफ यू नीड टू कैलकुलेट दैट फॉर अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो वो अलग होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि फंक्शन एफ एन को एग्जीक्यूशन में सपोज टू बी टाइम लग रहा है टी एन। ओके, अब ये टी एन कॉल किसे कर रहा है, सो इट कॉल टी एन बाई टू, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, प्लस यहां पे हम लिखते हैं कॉस्ट। ये कॉस्ट कौन सी होती है, सो वी कैन से दैट दैट कॉस्ट इज इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में एन की एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो कॉस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। सो इट इज कॉन्स्टेंट। अब वो टाइम कितना लगेगा, ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अपकमिंग सेशन जो कल है उसमें मैं आप लोगों को ये डिटेल में बताऊंगा कि अगर एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है तो उससे रिकरेंस रिलेशन किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। बट अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए रिकरेंस रिलेशन की हम बात करें, तो यहाँ पे ये दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट वाले ने जो स्पेस की, सेकेंड वाली उसी सेम स्पेस को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, सेम स्पेस यूज। सो हियर इट इज
सिंगल एस ऑफ एन बाई टू, ओके। तो टाइम ट्वाइस लग रहा है, मतलब टू टी एन बाई टू लग रहा है, बट स्पेस सिर्फ एस एन बाई टू लग रही है। प्लस प्लस उसके साथ क्या लिखेंगे हम, उसके साथ लिखेंगे हम कॉस्ट। तो कॉस्ट है इस स्पेसिफिक कोड को एन की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए स्टोर करने के लिए जो हमने स्लॉट दिया था वो कॉन्स्टेंट था, और कॉन्स्टेंट को हम थीटा वन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दैट। सो दैट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अगर रिकरेंस रिलेशन आपसे पूछा जाता है, सो दैट वुड बी द रिकरेंस रिलेशन। बट अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट वुड बी द रिकरेंस रिलेशन फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सो ये रिकरेंस रिलेशन होता है। और इन रिकरेंस रिलेशन को हम लोग मास्टर्स मेथड अप्लाई करके डायरेक्टली रिजल्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अपकमिंग सेशंस में मैं आप लोगों को जो है कल जो सेशन हमारा होने वाला है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग रिकर्सिव रिलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनका आउटपुट आ सकते हैं। नाउ सी, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट वुड बी द रिकरेंस रिलेशन फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एल्गोरिथम ए वन। सो सी हियर, एस एन कॉल, सो एस एन को जो स्पेस चाहिए, सो वो एस ऑफ एन माइनस वन की स्पेस पे डिपेंड करता है, और ये जो एस ऑफ एन माइनस वन है ये तो सेम स्पेस यूज कर रहा है। सो अल्टीमेटली इट बिकम दिस। और इस कंप्लीट कोड को स्टोर करने के लिए स्टेक का कितना एरिया देना पड़ा था हमें, कॉन्स्टेंट, सो दैट वुड बी वन लाइक दिस। एंड फॉर दिस वी कैन से दैट अगेन हियर एस एन कॉल एस एन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट, ओके। तो दोनों का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकरेंस रिलेशन यहां पे सेम आएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिकरेंस रिलेशन जरूर चेंज आएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि दोनों एल्गोरिथम को, दोनों एल्गोरिथम सेम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, दोनों एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, बट दोनों एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट होती है। सो अपकमिंग सेशन में हम लोग इन दोनों एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, नाउ ट्राई टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। सो कोशिश करिए, आई विल गिव यू अ मिनट। सो क्या इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, ओके। सो दैट क्वेश्चन इज ऑन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड। चलिए अभी आप सिर्फ इसको, देर आर टू क्वेश्चन, यू जस्ट कैलकुलेट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए, फिर मॉडिफाइड वर्जन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ये जो कैलकुलेशन है विल डिस्कस दैट लेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर दिस कोड, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ट बुक फॉर एल्गोरिथम यू कैन यूज कोरमेन, कोरमेन बेस्ट बुक है, आप उसको रेफर करें। ऑनलाइन कोर्स हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, कंप्लीट आपको यहाँ पे सेशंस मिलेंगे। सो स्टार्टिंग से एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है, टू लेक्चर्स हो चुके हैं, दैट वुड बी द थर्ड लेक्चर। आप प्रीवियस, जिन्होंने प्रीवियस टू लेक्चर्स मिस हो गए थे या कहीं अटेंड नहीं कर पाए थे, या आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो आप प्रीवियस टू लेक्चर्स को भी ज़रूर देखें। सो देयर इज़ अ कंप्लीट क्रैश कोर्स पैकेज ऑन यूट्यूब एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। Now, see here, if we need to calculate space complexity for this, देखिए इसका space complexity हमें निकालना है, तो space complexity इसका कितना होगा, what we can say that space complexity simply, आपने function को n के लिए call किया, okay?
नाउ सी, वेरिएबल इंटीजर आई, तो आई को कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस लगेगा, वेरिएबल डबल, डबल जो सम है उसको कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस लगेगा, ठीक है। दैट स्पेस इज अ डेटा स्पेस एंड इट इज अ कॉन्स्टेंट। देखिए ये स्पेस सिर्फ कब इंक्रीज होती है, जब आप कोई एन साइज का अरे ले लेते हैं। इफ यू आर टेकिंग अरे ऑफ साइज 10, दैट इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ओके, तो ऐसा नहीं कि अरे प्रोग्राम में देखा और आप बोले कि नहीं इसको एन स्पेस लगेगी फॉर क्रिएशन। अगर वहाँ पे कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ए ऑफ 10 क्रिएट कर रहे हो तो इट इज कॉन्स्टेंट। हाँ, अगर ए ऑफ एन लिखा है और वो कहीं कोड आपको दिया हुआ है कि वो एन टाइम आपको क्रिएशन करना है, तो फिर आप उस एल्गोरिथम में उसको एन ले सकते हैं, अदरवाइज वो भी कॉन्स्टेंट होता है। नाउ सी एफ ऑफ एन, एफ ऑफ एन के लिए अगर हम लोग कॉल करें, सो यू कैन सी हियर एल्स में जाएंगे एन की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, क्योंकि एन अगर जीरो होगा तो ये वन रिटर्न करेगा, अदरवाइज हम एल्स में जाएंगे। सो आप देखिए एल्स में एक फोर लूप है, तो फोर लूप हम कह सकते हैं एफ ऑफ फंक्शन जो है आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, फिर आई का वैल्यू वन होगा, फिर आई का वैल्यू टू होगा, एंड सिमिलरली अप टू आई का वैल्यू आपका कितना होगा, एन होगा, ठीक है। जीरो के लिए ये सिर्फ किसे कॉल करेगा, इट कॉल सम इक्वल टू सम प्लस टू जीरो, टू जीरो तो टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इसने स्टेक क्रिएट किया लेकिन सिर्फ स्पेस वन क्रिएट की, फिर आई की वैल्यू वन होगी। सो आई की वैल्यू वन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, जीरो से आई लेस देन वन तक रन करेगा। ओके, सो व्हाट वी कैन सी, यहां भी आप देख सकते हैं आई का वैल्यू जीरो पास किया है, तो इट इज आई इज जीरो, जीरो लेस देन जीरो, सो इन दैट कंडीशन ये क्रिएशन ही नहीं होगा, हम वन के लिए क्रिएट करेंगे। एस इक्वल्स टू, तो ये सिर्फ वन टाइम कॉल करेगा और ये किसे कॉल करेगा, फू जीरो को कॉल करेगा, फू वन, ठीक है। फिर फू जब आई की वैल्यू टू होगी, सो एट दैट टाइम यू कैन सी जो लूप है आपका वो फिर वापस से, ये टू आपने ऐसे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास किया क्योंकि ये वैल्यू टू पास होगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितनी बार चलेगा, तो ये टू से आपका एंड टाइम तक रन होगा। जस्ट अ मिनट, सी हियर, देखिए फू हमने वैल्यू एक स्पेसिफिक वैल्यू के ले लेते, चलिए फाइव के लिए हमने कॉल किया, ठीक है। तो एन की वैल्यू आपकी फाइव है, तो ये कहाँ तक कॉल होगा, वन से लगा के फोर तक कॉल होगा, आई इक्वल टू वन, आई टू, आई थ्री एंड आई फोर, आई वन से फोर तक, क्योंकि लेस देन वैल्यू दिया हुआ है, तो फोर तक कॉलिंग करेंगे हम लोग। व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज वन, ओके, सो जब आई वन के लिए ये कॉल हो रहा है, तो व्हाट वी कैन से एट दैट टाइम जो स्टेटमेंट कॉल होगा, सम इक्वल्स टू सम प्लस देयर इज वन मोर वैल्यू, दैट इज आई इक्वल टू जीरो। सो अगर जीरो के लिए सबसे पहले देखें तो इट कॉल सम इक्वल टू सम प्लस फू जीरो, लेकिन फू जीरो तो क्या कर देगा, वैल्यू रिटर्न कर देगा जीरो। सो इन दैट कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये स्पेस क्या है आपकी, कॉन्स्टेंट स्पेस लग रही है। चलिए फिर हमने वन के लिए कॉल किया, तो इट कॉल फू वन, यहाँ पे से वन कॉल होगा। अब ये वन फिर कॉल करेगा, जब वैल्यू वन के लिए कॉल होगी तो यहाँ पे एन की वैल्यू वन पास होगी, जब एन का वैल्यू वन पास होगा तो आई इक्वल टू जीरो, ठीक है, से आई लेस देन वन। सो अल्टीमेटली ये लूप एक ही बार क्रिएट होगा और सम इक्वल टू सम प्लस फू ऑफ वो जीरो को कॉल करेगा, ठीक है। तो यहां स्पेस पहले वाले से इंक्रीज हो गई, टू स्पेस लगी, बट स्टिल वी कैन से दैट इज कॉन्स्टेंट। अब देखिए जब आई इक्वल टू टू की बात हम लोग करें, तो जो लूप है आपका वो जीरो से आई लेस देन टू तक कॉल होगा, मतलब अब वापस से आपकी वैल्यू क्रिएट होगी आई इक्वल टू जीरो के लिए और फिर आई इक्वल टू वन के लिए, ठीक। सिमिलरली अगर आप आई इक्वल टू थ्री की बात करेंगे, तो यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो, आई वन और आई टू फिर से होगा, फिर जीरो जीरो को कॉल करेगा, वन वन को कॉल करेगा और टू फिर जीरो और वन को कॉल करेगा, लाइक दिस। आप यहाँ पे इसी तरीके से अगर देखें, तो यू कैन सी हियर व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज जीरो, वन स्लॉट क्रिएट हुआ था, वन है तो टू स्लॉट क्रिएट होंगे, टू है तो जीरो के लिए क्रिएट होगा, वन के लिए क्रिएट होगा और वन फिर कॉल करेगा, लाइक दैट, तो फोर स्लॉट्स क्रिएट हो जाएंगे। थ्री है तो देखिए ये एग्जीक्यूशन तो होगा, ये जैसे ही टर्मिनेट हुआ तो सेम स्पेस को ये एरिया यूटिलाइज कर लेगा, ये जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ सेम स्पेस को ये एरिया यूटिलाइज कर लेगा। सो आई टू किसको कॉल करेगा, वन को कॉल करेगा, वन अपनी स्पेस फिर क्रिएट करेगा। तो व्हाट वी कैन से स्टेक जो है जीरो के लिए इतना कॉलिंग था,
फिर वन के लिए ये कॉलिंग टर्मिनेट हो चुकी है ऑलरेडी, तो ये दो स्पेस यूज होगी, मतलब जो प्रीवियस टर्मिनेट हो चुका है, जो प्रीवियस स्पेस फ्री हो चुका है वो तो यूज होगा, प्लस ये भी यूज होगा लाइक दैट। नेक्स्ट वाले के लिए ये तीन स्पेस यूज हो जाएगी, ये प्रीवियस टू फ्री होंगी तो इनको वो यूटिलाइज कर लेगा। तो अल्टीमेटली अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, बट जो स्पेस है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है। आप देख सकते हैं पहले स्पेस वन लगी, फिर वो वन फ्री हुआ तो स्पेस टू लगी, वो टू फ्री हुआ तो स्पेस थ्री लगी, वो थ्री फ्री होगा तो स्पेस फोर लगेगी, और ऐसे अप टू एन तक जाएगी। सो अल्टीमेटली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा एन। ओके यस, प्रीवियस लेक्चर्स नोट्स में टेलीग्राम चैनल जो है हम लोग टेलीग्राम जो ग्रुप है अन अकेडमी का, उस पर मैं आज पोस्ट कर दूंगा ऑल थ्री लेक्चर्स, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दैट। ओके सो आफ्टर दिस लेक्चर आई विल पोस्ट देयर। नाउ प्लस बैचेस टेकन बाय अ टॉप एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स में अभी आपके जो प्लस को बैच है, प्लस बैच में डाउट सॉल्विंग सेशंस भी चल रहे हैं, रैंक बूस्टर सेशंस भी चल रहे हैं, और आपकी गेट का जो 2021 के लिए CSIT है तो वो बैचेस भी चल रही है, और मैं भी आने वाला हूँ नेक्स्ट अपकमिंग वीक से प्लस बैच में एल्गोरिथम लेके। सो आप प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अवर अन अकेडमी कंप्यूटर साइंस चैनल, ये आपका चैनल है, आपसे सब्सक्राइब करें। जितने भी कोर्सेज हैं जो YouTube पे फ्रीली चल रहे हैं वो आप एब्सोल्युटली सारे कोर्सेज देख सकते हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब करें। एंड यू शुड फॉलो मी ऑन अन अकेडमी। अन अकेडमी को आज इवनिंग में मैं एक स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। सो आप इसको फॉलो करिए, फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, और आज इवनिंग में एक स्पेशल क्लास होने वाली है, तो आप सभी उस स्पेशल क्लास को अटेंड करिए। थैंक यू अगेन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।